डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। किसी फार्मूले के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS नॉलेजपुर में। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। किसी फार्मूले के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो वो फार्मूला क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, तो उस ये भी हम प्रूफ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको भी प्रूफ करेंगे, जो इसका नाम है सिद्धाचार्य फार्मूला। फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारा नया वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे आपका कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को चलिए अब हम शुरू करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हमारा फार्मूला सिद्धाचार्य का फार्मूला। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे मतलब कैसे आया इसको हम प्रूफ करेंगे। जो ये फार्मूला है हमारा सिद्धाचार्य का फार्मूला, इसको हम प्रूव करेंगे कैसे कहाँ से आया। तो प्रूव करने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना होगा, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इस ये जो है द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हैं। इसका जो है घात जो है अधिक से अधिक जो घात है वो दो है, पावर जो है दो है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, पूरे टर्म में ए से डिवाइड कर देंगे। तो ए से हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी ए से डिवाइड करेंगे और ये तो इक्वल जीरो है ही, तो ए से ए कैंसिल, यहाँ पे अब बाकी कुछ कैंसिल तो होगा नहीं। यक्स स्क्वायर प्लस हमारा जो बचेगा होगा यक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए यक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। हम जो ये सी बटे ए है उसको उस तरफ लेते हैं, ले गए हैं। अब इस साइड को क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसमें हमको कुछ ऐड करना होगा और कुछ सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए यक्स, इसमें क्या ऐड करेंगे, जो इसका जो है ये यक्स स्क्वायर हो गया, इसमें टू ए बी, यानी कि इसमें ऐसा कुछ करेंगे, देखिए बी स्क्वायर अपान ए फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे फोर ए स्क्वायर को अगर ऐड कर दें और इसी को सब अगर घटा दें तो हमारे जो है इस टर्म पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बी स्क्वायर बटे फोर ए स्क्वायर को घटा भी दिए, माइनस सी अपान ए सी बटे ए। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए यक्स प्लस बी स्क्वायर बटे फोर ए स्क्वायर। अब उसको उस साइड भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा ये इक्वल टू बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपान बटे ए, ये हमको मिल गया ये पूरा। अब इसको आप देख सकते हैं यक्स का स्क्वायर, इसको फिर से बढ़िया से अगर हम लोग लिख दें तो यक्स का स्क्वायर बी बटे ए इंटू बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू क्या था हमारा फोर, यहाँ पे फोर था और ये पूरा लिख दिया। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन हमको मिला, जो कि इसको हम क्या करेंगे, इसको आप देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। तो आपको हम इसको दिखा दें कैसे है, यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए टू इंटू ए इंटू बी अपन जो है टू ए है। अब टू से टू कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे बी अपान बी बटे ए एक्स हो गया है और आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये है और हमको इस ये जो है इस ये हमको आसानी से मिल जाएगा क्या, यक्स प्लस बी बटे टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे फोर ए स्क्वायर माइनस सी बटे ए। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यक्स प्लस बी बटे टू ए को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे स्क्वायर और इक्वल में क्या करेंगे इसका, इसको अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या हमको मिलेगा, एलसीएम लेने पे फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे इससे अगर इससे कटेगा तो फोर ए सी मिलेगा, फोर ए सी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है उसको उधर दे देंगे तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। तो यक्स प्लस बी बटे टू ए इज इक्वल टू टोटल को अगर हम अंडर रूट में कर दें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे फोर ए स्क्वायर होगा और हमारा जो फोर ए स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं किनारे, फोर ए स्क्वायर जो है हमारा बाहर हो जाएगा और ये पूरा अंदर रह जाएगा। तो हमको यक्स प्लस
यक्स प्लस क्यू यक्स इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे उस साइड इक्वेट कर देंगे इधर, इस साइड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा बी बटे टू ए प्लस माइनस, प्लस माइनस अगर इसका स्क्वायर रूट अगर तोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस लग जाएगा, और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और नीचे वाला रूट हट जाएगा तो हो जाएगा टू ए। अब नीचे का आपको दिख रहा होगा टू ए सेम दिख रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा टू ए, और ऊपर का सिंपल ऐसे लिख देंगे और अंडर रूट लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपको आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया था उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, जो कि यही ये क्या है श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, यही है श्रीधराचार्य फार्मूला। इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रूफ किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो श्रीधराचार्य का फार्मूला था उसको प्रूफ किए हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसको हम आसानी से फैक्टराइज करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। आप सब इसको इससे क्या कर दीजिए करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे तो आपको अगर वो मिले आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ए के जगह पे क्या है ए इज इक्वल टू वन है, एंड बी के जगह पे क्या है माइनस बी बराबर माइनस तीन, और सी बराबर आपको फाइव मिल जाएगा। अब क्या करेंगे इस ए बी और सी के मान को क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें रख देंगे, तो हमारा जो फार्मूला है क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में हम रखेंगे ये टू ए, देखिए टू ए नीचे है उसमें, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे ए बी और सी के मान को क्या करेंगे रख देंगे, तो देखिए बी बराबर क्या है माइनस थ्री, माइनस माइनस थ्री बी के जगह माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इन टू ए के जगह क्या है वन है, गुड़े क्या हो जाएगा सी के जगह क्या है फाइव है पाँच, और नीचे क्या हो जाएगा दो गुड़े ए यानी कि वन, और हम इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि यहाँ पे थ्री मिल जाएगा तीन, प्लस माइनस अंडर रूट में तीन तरीका नौ, अगर स्क्वायर रूट है तो माइनस का प्लस हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, मतलब कि तीन तरीका नौ माइनस ये चार और पाँच का गुणा करेंगे ये चार एकम चार पचे बीस यानी कि नौ माइनस बीस। आप सब देख सकते हैं हमको आप सबको आप सब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे मिल गया दो। अब इसको हम क्या करेंगे थ्री बटे टू प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो हमको अंडर रूट में मिल जाएगा माइनस ग्यारह बटे दो, ये दो जो है इसके नीचे मतलब कि ये एलसीएम लिया गया था तो इसको दोनों के नीचे क्या करेंगे रख देंगे दो आराम से, और हमको मिल गया आप सब देख सकते हैं हमको मिल गया क्या ये दो यहाँ पे प्लस माइनस दो टू है तो थ्री बटे दो तीन बटे दो प्लस अंडर रूट माइनस ग्यारह बटे दो, एंड एक और मिला क्या तीन बटे दो माइनस अंडर रूट माइनस ग्यारह बटे दो। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको यक्स का दो वैल्यू मिल जाएगा, जो कि इसको क्या करेंगे पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं, यक्स इज इक्वल टू थ्री दो एलसीएम है ही तो थ्री प्लस अंडर रूट माइनस इलेवन अपान टू एंड थ्री माइनस अंडर रूट माइनस इलेवन अपान टू, हमारा ये जो है ये और ये यक्स का क्या हो गया वैल्यू हो गया। इस तरह से हम इस फॉर्मूले के थ्रू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो कि आपने देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके लाइक वीडियो को